चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 22। आप लोगों ने अब जैसे पिछले वीडियो में एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें छोटी छोटी लाइनें थी, अब ये है तो उतना ही छोटा पैराग्राफ, लेकिन ये पैराग्राफ के नंबर बढ़ गए, यहाँ तीन पैराग्राफ आ गए। पिछले वीडियो में एक ही पैराग्राफ था। घर घर चल चल घर चल, पहले आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे फिर मिला मिला के पढ़ेंगे। लव लव उठ उठ कर कर घर घर चल चल लव उठ कर घर चल। अब डर डर मत मत अब डर मत घर घर चल चल कर कर सब सब सच 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 कह कह। जब क के साथ या किसी भी ज़्यादातर किसी भी शब्द के साथ ह लग जाता है तो वो कह नहीं पढ़ा जाता है, उसमें आवाज़ बदल जाती है की आवाज़ कह करके आएगी। क और है में ए की आवाज़ बीच में मिल के आएगी, कह। घर चल कर सब सच सच कह। चल चल अब घर घर चल 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 अब घर चल। ये पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो पिक्चर देखिएगा कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो उन दोनों में ये बात हो रही है। जैसे अभी इसमें मात्राएं नहीं है लेकिन ये इस तरह से दिया गया है कि आप लोग को समझ में भी आए कि क्या, जैसे दो बच्चों में बात हो रही है ना। अब इधर क्या है, दो बच्चे और हैं, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, उसमें से पानी आ रहा है, पानी को जल कहते हैं, पानी को जल कहते हैं हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर जल जल भर भर जल भर मतलब पानी भर, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है कि जल जल भर पानी भर। झट झट पट पट चल चल झटपट चल, झटपट चल मतलब जल्दी जल्दी चलो, झटपट चल 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 कर कर जल जल भर भर चल कर जल भर। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है चलो चल के पानी भरो जल भरो, चल कर जल भर। अब टब टब मत मत रख रख अब टब मत रख। एक बच्ची कह रही है कि अभी टब मत रखो, है ना, अब टब मत रख मतलब अब इसके बाद टब मत रखना, वो ये कह रही है। इसको आप कहानी की तरह पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा। टन टन भर भर कर कर चल चल टन भर कर चल। ये दरअसल यहाँ पर ब होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पर आप लोग ये शर्ट टब भर कर चल होना चाहिए था, फिर भी पढ़ सकते हैं, एक शब्द हो सकता है टन भर कर चल। फल चख फल चख मतलब यहाँ पर दो बच्चे हैं, उनके पास फलों की टोकरी रखी है ना, उसमें फल है। अब जैसे आप सोचिए दो बच्चों में बात हो रही है। फल फल चख चख, चखना क्या होता है, टेस्ट करना, उसका जायका लेना, खा के देखना कैसा है, मीठा है कि नहीं है। इसी तरह से दो बच्चे कह रहे हैं फल चख, फलों को चख के देखो, मतलब यश यश घर घर चल चल। एक बच्चे का नाम यश होगा तो यश घर चल, यश घर चल। अब फल चख अब फल फल चख चख अब फल चख। फल फल चख चख कर कर रख रख फल चख कर रख। बक 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 मत माता मत कर कर बक बक मत कर, मतलब बच्चा ये कह रहा है कि जल्दी से फल खा के रखो और ज़्यादा बातें मत करो, चलो ये मतलब है। तो ये कहानी की तरह पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा।
लेकिन पढ़ना इसी तरह है, बक बक मत मत कर कर बक बक मत कर, ऐसे करके पहले तोड़ तोड़ के पढ़िएगा और फिर पूरा एक सेंटेंस, और फिर कोशिश करिएगा पूरा एक पैराग्राफ बिना तोड़े हुए पढ़े आप। जैसे यश घर चल अब फलचक, फलचक कर रख बक बक मत कर, फिर ऐसे कोशिश करिएगा। चलिए बच्चों अब अगला पेज पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में पेज नंबर 20 पढ़ा था, हम अगला पेज पढ़ेंगे 21। इसका टॉपिक है पढ़िए और समझिए। ये वही दो वर्ण हैं जो मिला के ऑलरेडी लिखे हुए हैं, पहले से लिखे हुए हैं, इसमें जोड़ का निशान नहीं है, ठीक है। अब ये टब, जिसकी तस्वीर बनी है तो आप वैसे भी पहचान रहे हैं, ये टब की तस्वीर है, टब टब, यानी ये उसकी स्पेलिंग है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, टब टब, ठग ठग, ठग यानी चोर, ठग ठग, खत खत, खत मतलब चिट्ठी। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें क्या यहाँ पर क्या है, जैसे आपको ध अक्षर दिया तो ये कह रहे हैं कि ध और ना को मिला के धन, यानी ध से शुरू होने वाला भी शब्द है। यहाँ ब दिया है तो ब न बन, यहाँ पर थ दिया है थ न थन, र दिया है र न रन, है ना। इसी तरह से यहाँ पर अब सब सब, रख रख, टन टन, झट झट, पट पट, खट खट, रट रट, चढ़ चढ़, गड़ गड़, पड़ पड़, बड़ बड़, नग नग, ठग ठग, पग पग, लग लग। यहाँ नीचे जैसे ये मानिए कि छोटी सी कहानी, जब आप ये छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तब जाके आप क्लास KG 1 KG 2 में और क्लास 1 में रीडिंग कर पाएंगे हिंदी की। उसके लिए आप लोगों को ये छोटे छोटे पैराग्राफ बहुत मेहनत से पढ़ने हैं, इनको बार बार पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, मेरा वीडियो खोल खोल कर आप इसको वीडियो देखिए, साथ में किताब लेकर बैठिए, और फिर जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ आप भी उसी तरह से उंगली रख कर यहाँ पर और पढ़ते जाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी हिंदी की रीडिंग अच्छी होगी। यहाँ पर लिखा है दो वर्णों के शब्दों से बने वाक्य, ये छोटे छोटे वाक्य हैं, सेंटेंसेस। जैसे बच एक शब्द है, बच में जो ब है वो एक वर्ण है, च एक वर्ण है, लेकिन जब ब और च ये दोनों अलग अलग वर्णों को मिला देते हैं तो वो बच हो जाता है, एक शब्द बन गया, शब्दों को मिलाकर एक वाक्य मिलता है। यहाँ चार शब्द हैं, बच बच कर चल, ये पूरा वाक्य बन गया। अब आप इसको पूरा रीड करेंगे, बच बच, बच बच, कर कर, चल चल, फिर इसको पूरा पढ़िए, बच बच कर चल, क्योंकि रीडिंग ऐसे नहीं करी जाती, बच 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 बच, आप पूरा पूरा पढ़ेंगे जब आप रीडिंग करेंगे। ये तो आपको सिखाया जा रहा है जोड़ जोड़ के पढ़ना, लेकिन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो बच बच कर चल। लव लव, जल जल, भर भर, अब इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे, लव जल भर, लव जल भर, है ना। अब छत छत, पर पर, चल चल, अब छत पर चल। इसी तरह से आप मैम का वीडियो देखकर और रीडिंग करिए, आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करनी आ जाएगी।